नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में। और आज हम जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पर मौजूद हैं और यहाँ हमारी मुलाकात हुई है उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के जिलाध्यक्ष श्री चौधरी ऋषिपाल सिंह जी से। और आज इनसे मुलाकात में हम ये जानने का अवसर मिला है कि आपके कमेंट कई बार आते थे और पूछते थे कि सर आखिरकार क्यूरेटिव फाइल जो दाखिल की जा रही है उस संबंध में क्या जानकारी मिली है, क्या अपडेट मिली है। तो हम डायरेक्ट आज अध्यक्ष जी से जानेंगे क्यूरेटिव फाइल के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा में संघ के द्वारा, या जो भी अपडेट है जानकारी है आज हम लेते हैं अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी, क्यूरेटिव फाइल अभी दाखिल नहीं हुई है ना, जैसे बता रही है अभी निकल के? क्यूरेटिव फाइल अभी नहीं हुई है, उसमें कुछ कमियाँ रह गई थी। तीन बार कमियों को जो संशोधन किया गया है, जूनियर जो हमारे वकील हैं अभिषेक श्रीवास्तव जी और सीनियर जो हमारे एडवोकेट हैं लूथरा जी, बाद में उन्होंने उसको चेक किया है, तो जो जो कमियां हैं उनको जो है टिक किया है और वहां उसमें संशोधन हो रहा है। दरअसल में क्यूरेटिव पर भी जाती है, उसमें संशोधन हो भी गया है, लेकिन 10 दिन के लिए कोर्ट बंद हो गया है और हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं लूथरा जी वो भी 10 दिन के लिए बाहर चले गए। ये सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्यूरेटिव फाइल आखिर है क्या, ऐसे शिक्षा मित्रों को क्यूरेटिव फाइल दाखिल करने से क्या लाभ मिलेगा, उसमें क्या मांगे? देखिए, क्यूरेटिव का मतलब है हमारी अंतिम लड़ाई है कोर्ट के माध्यम से, जिसे संविधान पीठ हम कहते हैं। हमें उससे बहुत कुछ न्याय मिलने की उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम जो है संविधान पीठ में गए हैं और उसमें हम ये चाहते हैं कि कहीं कोई कमी न रहे, चाहे हमें समय जरूर अधिक हो जाए लेकिन उसमें कोई कमी न रहे जिससे कि कहीं हमें बाद में पछताना पड़े और फिर जो है न्यायालय प्रक्रिया में हम कहीं ना कहीं फिर बाहर हो जाए। न्यायालय की आखिरी लड़ाई है क्यूरेटिव दाखिल करना, और क्यूरेटिव दाखिल करने में समय इसलिए लग रहा है क्योंकि शिक्षा मित्र नहीं चाहते हैं कि हमारी इस आखिरी लड़ाई में कोई कमी रह जाए। तो पहला हमारे जो संज्ञान में जो बात आती है या के लिए हमारे अंदर जो सवाल आता है वो ये कि क्यूरेटिव फाइल दाखिल करने के बाद भी जब अगर जज साहब कोई फैसला करते हैं तो क्या उसे शिक्षा मित्र बहाल हो जाएंगे? नहीं, जब जैसे कि हमारी पहले क्यूरेटिव एक्सेप्ट हो, और जब हमारी क्यूरेटिव एक्सेप्ट का मतलब यह है कि क्यूरेटिव जब जो हम तैयार करेंगे उसको हमारे जो जज साहब हैं उनकी एक कमेटी होगी उसको पढ़ेगी, और पढ़ने के बाद में उसमें ये देखेगी कि जो इनके साथ निर्णय हुआ है 25 दिसंबर को वो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों को 25 जुलाई को, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा एक दो पॉइंट उसमें है कि जिसको हमने अनदेखा किया है और डिसीजन दे दिया गया है। 25 जुलाई के ही आदेश के अकॉर्डिंग बता रहे हैं 25 जुलाई में समाज ने निरस्त कर दिया है, तो क्या इसमें परिवर्तन होने की संभावना है जिसके लेके ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि हम कम से कम ये तो करवा ही लें? देखो, उसमें ये है कि कहीं हमने कई प्रदेशों के शासनादेश लगाए हैं, NCT MHRD मंत्रालय का जो पैरा टीचर वाला है वो भी लगाया है, तो कहीं ना कहीं हमें ये पूरा विश्वास है कि जैसे कि हम लोगों को अन्य स्टेटों में हुआ है, उत्तराखंड मध्य प्रदेश में जैसे हुआ है कि इनको जो है समय देते हुए TT करा ली जाए, 2 साल 3 साल का समय हम लोगों को उसी पद पर रहते हुए और TT करा ली जाए, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्यूरेटिव में हमें कहीं ना कहीं फायदा होगा। 4 अप्रैल का वो संशोधन था जिसमें 4 वर्ष के लिए समय दिया गया था कि उसी पद पर रहते हुए जो है योगदान कर सकते हैं, लेकिन हमें अब ये नहीं लगता कि हम थोड़ा लेट है इस मामले में, क्योंकि जैसे अभी 41,556 भर्ती हो गई और जनवरी में जो है शायद अगली भर्ती हो जाए या फरवरी में हो जाए, अगर ये जगह जो 172,000 शिक्षा मित्रों के समाज जो निरस्त होने की वजह से जो खाली हुई थी, उसके बाद अगर क्यूरेटिव में कोई फैसला आता भी है शिक्षा मित्र के पक्ष में, या कहा जाता है कि वो अपने पद पर रहते हुए भी योग्यता हासिल करते सहायक अध्यापक बन जाए, तो जब पद ही नहीं बचेंगे तो फिर वो सहायक अध्यापक कैसे बनेंगे? डिसीजन जो है न्यायालय का डिसीजन अपना होता है और न्यायालय के डिसीजन का पालन करना सरकार का काम होता है। इसमें ये जब न्यायालय अपना डिसीजन देगा तो ये नहीं देखेगा कि 68,000 की भर्ती हो गई है या 95,000 की होने जा रही है, वो ये देखेगा कहीं ना कहीं इनके साथ अहित हुआ है, इन सब ये सारी चीज़ों को इन पॉइंटों को लेकर इनको न्याय मिलना चाहिए और इनको बहाल किया जाए या इनको शर्त के अनुसार इनको जो है टेट पास करने का समय दिया जाए। लड़ाई सहायक अध्यापक की तो लड़ रहे हैं ना क्यूरेटिव में भी, तो एक साथ फिर 1,72,000 की भर्ती हो जाए, 1,72,000 शिक्षा मित्र बहाल हो जाए, इतने पद प्राइमरी में नहीं है तो उसमें सरकार के लिए समस्या आ जाएगी। अभी हमारी जो भर्ती हुई है 40,000 के आसपास हुई है, और इस 40,000 की भर्ती होने के बाद में हमारे कुछ साथी भी उसमें है, जी मान के चलिए 33,000 इतने प्लस पॉइंट सरकार के पास पद हैं कि अगर हम जो है सारे 1,37,000 शिक्षा मित्र भी पुनः बहाल हो जाए और ये 32-33 हज़ार हो जाए, तब भी जो है मानक के अनुसार शिक्षकों की पूर्ति नहीं हो पाएगी।
जी, यानी अभी इतने पद हैं कि शिक्षा में तो बहाल हो भी जाएं तो भी अभी जो है और भी अध्यापक भविष्य में लिए जा सकते हैं। लेकिन भविष्य का तो यही है ना कि अगर 172,000 को संरक्षित किया जाता है शिक्षा मित्रों के लिए कि 4 वर्ष में ही अपनी योग्यता हासिल करेंगे और सहायक अध्यापक बनेंगे, तो वो पद फिर भरे भी नहीं जाएंगे 4 साल तक किसी भी भर्ती के द्वारा? नहीं, भरे नहीं जाएंगे और जैसे जैसे खाली होते जाएंगे, हर साल हमारे अध्यापक रिटायरमेंट हो रहे हैं तो वो पद बढ़ते जाएंगे। और जब ये ऐसा कोर्ट का आदेश हो जाएगा कि सभी 172,000 को ही होना है तो 4 साल के फिर उसी हिसाब से सरकार उसको तय करेगी। सरकार भर्ती करनी है या नहीं करनी है वो सरकार के में। तो हम यही जानना चाह रहे थे कि क्यूरेटिव फाइल के लिए कहीं हम देरी तो नहीं कर रहे हैं, और देरी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हबड़ा हबड़ी में कुछ गलती हो जाए और क्यूरेटिव फाइल थोड़ी कमजोर संविधान पीठ के पास पहुंच जाए, ऐसा भी नहीं करना है। नहीं, पूरी तैयारी के साथ पहुंचना है, जल्दबाजी में कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना है क्यूरेटिव के संबंध में कि कहीं ना कहीं फिर उसमें कमियां रह जाएं और वही समय हमें फिर पुनः देखना पड़े, पछताए हम कि भाई वो कमी रह गई। अच्छा, इसलिए हम दिवाली से पहले तो क्यूरेटिव फाइल दाखिल होना मुश्किल लग रहा है, या हो भी जाएगी तो सुनवाई की डेट नहीं लग पाएगी। और जैसे सुनने में आ रहा है कि दिवाली पर मुख्यमंत्री जी या केंद्र सरकार की तरफ से कोई घोषणा हो सकती है शिक्षा मित्रों के लिए? देखिए, ये तो कयास लगाए जा रहे हैं, वो सरकार का मामला है, वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट के मामले में हम पूरी तरह लगे हुए हैं, इसमें ज्यादातर 20-25 जिलाध्यक्ष हैं। हमारा कहने का मतलब यही है कि अगर सरकार स्थायी समाधान कर देती है शिक्षा मित्रों को, फिर भी कोर्ट की लड़ाई लड़ी जाएगी? नहीं, तो स्थायी समाधान की बात है तो सुनने में आ रहा है कि सरकार उसमें पता नहीं 3 कैटेगरी में बांट रही है, टेट नॉन टेट समायोजित असमायोजित जैसे भी उसका क्या मानदेय तय कर रही है, लेकिन हमारी लड़ाई जो कोर्ट में है वो मानदेय की नहीं है, मानदेय नहीं, वेतन सहायक अध्यापक की है और वेतन मान की है। तो जब हमारा कोर्ट से होगा तो सरकार को करना पड़ेगा, वो सरकार का काम है। यानी सरकार अगर कोई भी स्थायी समाधान निकालती है तो वो स्वीकार तो होगा, लेकिन अगर उससे संतुष्ट नहीं होंगे तभी कोर्ट की लड़ाई चलती रहेगी। लड़ाई हमारी अंतिम लड़ाई है ये संविधान पीठ वाली, इसको हम लड़ेंगे, इसका डिसीजन जो भी हो उसके अकॉर्डिंग फिर लास्ट में क्या होता है, सरकार क्या करती है वो अलग बात है। यानी कि हम ये दिवाली पर जो तोहफा मिल सकता है, जैसे कह रहे हैं अभी इसकी संभावना भी नहीं जताई जा रही है, क्योंकि किसी ने भी एक शब्द ये नहीं बताया है कि आखिरकार शिक्षा मित्रों का होने क्या जा रहा है। अगर शिक्षा मित्र 3 कैटेगरी में बांटकर 62 वर्ष तक उनकी सेवा को निश्चित किया जाता है और उनको एक मानदेय भी ना दे के वेतन मान भी दिया, क्योंकि जैसे बता रहे हैं शिक्षक सहायक पद नया सृजित कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं, तो इन सभी विवादों के बीच में हमारी क्यूरेटिव फाइल चलती रहेगी। अगर उधर से कुछ राहत मिलती है तो इन चीज़ों को नजरअंदाज करके पहले सरकार फिर उन पर अमल करेगी। वरीयता में हमारी जो है संविधान पीठ में जो लड़ाई है सहायक अध्यापक की वो है, अगर वहाँ हमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है शिक्षा मित्र हित में डिसीजन आता है सर्वप्रथम उस पर काम होगा, अगर वहाँ 1% हम कहीं हार जाते हैं या वहाँ से हमें निराशा हाथ लगती है तो फिर हम सरकार जो करने जा रही है वो हम दें। फिर तो उसके इसको कोई भी संगठन नहीं दाखिल कर सकता है, चाहे कोई भी हो, लेकिन एक बार ही जाएगी शिक्षा मित्र फायदा, क्यूरेटिव एक बार ही पड़ती है चाहे वो कोई भी संगठन डाले, इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, संगठन इसके लिए सहयोग राशि शिक्षा मित्रों से तो जहाँ तक सुनने में आ रहा नहीं ले रहे हैं, तो इसका क्यूरेटिव फाइल का कोई खर्चा वर्चा कहाँ से कौन कर रहे हैं? ये इसमें मेन चीज में 20-22 जिलाध्यक्ष हैं जिन्होंने क्यूरेटिव का जिम्मा ले रखा है और वही पैरअप भी कर रहे हैं। 15 दिन पहले मैं भी सुप्रीम कोर्ट गया था, सारी चीज़ें वहाँ हुई हैं, जूनियर वकीलों से बात भी हुई है, उसको तैयार भी कराया है, कुछ कमियाँ जो है बार बार निकल रही हैं अध्ययन करने के बाद में, सीनियर एडवोकेट जो हमारे हैं वो कमियाँ निकाल रहे हैं, उनको पूरा किया जा रहा है। जैसा कि अभी हम गए थे फाइल करने के लिए तो वहाँ बताया गया 10 दिन के लिए हमारा सुप्रीम कोर्ट बंद है, तो हमारे सीनियर एडवोकेट लूथरा जी भी 10 दिन के लिए बाहर चले गए हैं। अच्छा, तो इसीलिए ये 10 दिन का समय तो है ही है, उसके बाद में 10 दिन के बाद में हम जाएंगे, कितना समय लगता है तब तक जो कमियाँ हैं उसको दुरुस्त कर लिया गया है पूरी तरह, अब हम जाएंगे उसके बाद में उसको दाखिल करेंगे, उसके बाद में लूथरा जी उसको अध्ययन करते हैं, फिर उसमें कुछ कमियाँ रह जाती हैं तो फिर उनको दुरुस्त कराया जाएगा, लेकिन जल्दबाजी में क्यूरेटिव दाखिल नहीं की जाएगी। अच्छा, त्रिभुवन सिंह जी आपके संगठन से ही हैं? हाँ, त्रिभुवन जी, उनका प्रयास कितना सफल हो रहा है लगभग? देखिए, त्रिभुवन जी रात दिन मेहनत किए हुए हैं शिक्षा मित्रों के लिए, क्यूरेटिव में भी सहयोग कर रहे हैं, वो हमारे और भी लीडर हैं पार्टियों के, बार बार उनसे मिल रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति जी से भी मिल रहे हैं, विपक्ष के नेताओं से भी मिल रहे हैं, अभी उनका जो है अमित शाह जी से मिलने का कार्यक्रम, कई बार शिक्षा मित्रों का ऐसे कमेंट आते हैं, वो पूछते हैं कि आखिरकार गाजी जी कहाँ चले गए, जो खाली त्रिभुवन जी अकेले ही फाइल को लेकर चलते हैं और ये संघ प्रतिनिधि मंडल या संगठन की तरफ से कोई 10-5 लोग नहीं दिखाई देते हैं, वो अकेले ही घूम रहे हैं। देखिए, गाजी जी के संगठन के और भी कई पदाधिकारी हैं, रमेश मिश्रा जी हैं, हमारे शुक्ला जी हैं, कौशल कुमार जी हैं, जो हमारे साथ में रात दिन लगे हुए हैं क्यूरेटिव के लिए। थोड़ा गाजी जी के कुछ समस्याएं हो गई थी, आंखों की समस्या हुई थी, ऑपरेशन हुआ है उनका, इस वजह से वो समय थोड़ा संगठन को नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन और भी जो लोग हैं संगठन में वो लगे हुए हैं और बार बार संगठन गाजी जी जो है
चाहे वो अपने घर पे हो या कहीं भी हो, लेकिन दिशा निर्देश उनसे मिलते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे सीनियर एडवोकेट हैं वो उनसे बातें करते रहते हैं, दिशा निर्देश हमको देते रहते हैं कि आपको वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, वो सब चल रहा है। चलिए, यानी प्राथमिक उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ की तरफ से त्रिभुवन सिंह जी और द क्यूरेटिव फाइल दोनों ही तरफ से प्रयास जारी है शिक्षा मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए, लाभ मिल जाए कहीं से भी। त्रिभुवन जी मीडिया के द्वारा शिक्षा मित्रों की समस्याओं को जन जन तक पहुंचा रहे हैं और यहां पर क्यूरेटिव फाइल यानी संविधान पीठ के सामने शिक्षा मित्रों की समस्या के लिए एक स्थायी हल निकाला जाएगा शिक्षा मित्रों के लिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ना कुछ मानवीय मानवता के अभाव में फैसला हुआ है, मानवता को आधार नहीं रखा गया है, नियमों के आधार पर ही फैसला करके शिक्षा मित्रों की जो जिंदगी थी वो उसमें काफ़ी बहुत बड़ी हानि हुई है। 400 से ज़्यादा शिक्षा मित्र इसमें चले गए, आर्थिक स्थिति के कारण तंगी में आके आत्महत्या कर चुके हैं या किसी भी दुर्घटना की वजह से वो इस दुनिया में इस समय नहीं है। तो हमारी उम्मीद है पूरी कि देखते हैं कि क्यूरेटिव फाइल में शिक्षा मित्रों को राहत मिल जाए और इधर त्रिभुवन जी की तरफ से भी कोई ना कोई फायदा हो जाए। तो दोस्तों, आज बस मुलाकात में इतना ही था। क्यूरेटिव के मामले में आपके सारे सवालों के जवाब अध्यक्ष जी ने दे दिए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपका साथी गोपाल सिंह, नमस्कार।